उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के गांव सादात नगर इकलाह में भारतीय किसान संगठन की एक मीटिंग रखी गई। मेरठ मंडल प्रभारी व जिला अध्यक्ष लोकेश नागर के आवास पर आगामी 10 अक्टूबर को भारतीय किसान संगठन नोएडा से लेकर लखनऊ तक यात्रा निकाली जा रही है। उसे विषय में सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, भारतीय किसान संगठन यात्रा तन धन मन से निकलेंगे, जिसमें ट्रैक्टरों एवं गाड़ियों के साथ साथ यात्रा निकालेंगे और 11 सूत्र मान को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे। मौके पर मौजूद लोकेश नागर, मेरठ मंडल प्रभारी व जिला अध्यक्ष गाजियाबाद, अजय यादव हापुर जिला अध्यक्ष, मनोज यादव गाजियाबाद जिला उपाध्यक्ष, ओम मुकदम गौतम बुद्ध नगर जिला उपाध्यक्ष, राजेश यादव मेरठ मंडल सचिव, पिंकू गुर्जर जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर शामिल रहे। जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गांव सादत नगर इकला में आपको बताते हैं, आज यहां पर भारतीय किसान संगठन का एक मीटिंग आयोजित हो रहा है, जो लोकेश नागर जी है, मेरठ मंडल अध्यक्ष है, उनके घर पे आज मीटिंग हो रहा है। हम जानते हैं आज जो ये मीटिंग हो रहा है उनके घर पे, आखिर क्या मामला? अब हापुड़ के जिला अध्यक्ष है, आज भारतीय किसान संगठन का ये मीटिंग हो रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हम कहना चाहेंगे कि हमारी एक यात्रा निकलेगी 10 तारीख को, ये जो 10 आ रही है नोएडा से और लखनऊ के लिए, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, तो इसमें हमारी कुछ मांगे हैं, इसलिए हम लखनऊ के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लखनऊ पहुँच करेंगे यहाँ से ट्रैक्टरों से गाड़ी से, जो भी जिस पर साधन है उससे वो जाएगा संगठन के साथ, भारतीय किसान संगठन के साथ। और हमारी कुछ मांगे ये हैं कि मान लो किसान है, किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और एक एक साल जो मिले हैं वो उनकी पेमेंट रोक रही है, जबकि बिजली का बिल अगर 2 महीना किसान ना दे तो उस पर ब्याज लगना चालू हो जाता है, तो किसान क्यों ब्याज ना मिले जी? और जो ये अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफ़र हुए भी 2-2, 3-3 महीना हो गए, क्या लूट के लिए हैं बैठा रखे सरकार ने? इन्हें जहाँ इनका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ भेजें या कुछ दूसरे अधिकारी आने दें? ये बिल्कुल यहाँ जम के बैठ गए हैं कि नहीं, हमें बस गाजियाबाद या नोएडा या हापुड़ छोड़ना ही नहीं है। और गेहूँ की फसल है हमारी, अब फसल आ रही है धान की, इसके रेट के लिए हम वहाँ अपनी मांगों के लिए लेके लखनऊ जा रहे हैं और संगठन पूरा ही जाएगा और जिसका साथ मिलेगा हमारे रास्ते में उसका भी हम प्रभारी है भारतीय किसान संगठन के, तो आज जो मीटिंग आयोजित हो रहा है क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आज जो हमारी मीटिंग रखी गई भारतीय किसान संगठन की, ये हमारे 3 जिले की मीटिंग रखी गई, हापुड़ गाजियाबाद और नोएडा। हमारे भारतीय किसान संगठन की एक किसान सम्मान यात्रा जा रही है लखनऊ, नोएडा से लखनऊ के लिए ट्रैक्टर यात्रा है। उसमें हमारे किसानों के मुद्दे हैं, गन्ने की पेमेंट है, बिजली का है, वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं गाजियाबाद नोएडा में उंगली मार मार कर, जिनको 3-3, 4-4 साल हो लिए हैं, GDA में बैठे हैं, कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं, इनके खिलाफ यात्रा जा रही है। और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और बहुत बड़ी यात्रा जा रही है, कम से कम 85 ट्रैक्टरों द्वारा यात्रा जा रही है, 2000 आदमियों के द्वारा यात्रा जा रही है। और इसमें 11 सूत्र मांग है हमारी, 10 साल का ट्रैक्टर है, गन्ने की पेमेंट है, बिजली का बिल का मुद्दा है और पेंशन का मुद्दा है और अनेक मुद्दे हैं, वो सारे आपको भेज दिए जाएंगे। इसी के विषय में एक किसान यात्रा जा रही है और हमारे गाजियाबाद और नोएडा में अधिग्रहण का मुद्दा है, जो अधिकारी के रिश्तेदारों की भी जांच करी जाए तो रिश्तेदार भी जिसके कुछ नहीं अधिकारी का, आज उसके कई कई खूंटी खड़ी हैं, ये भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी जी को जगाने के लिए और योगी जी से कहने के लिए कि हमारे नोएडा और गाजियाबाद में जितने भी हैं अधिकारी हैं इनके रिश्तेदारों तक की भी जाँच करी जाए तो इनका अलग हिसाब मिलेगा। सादत नगर इकला में भारतीय किसान संगठन का जो मीटिंग आयोजित हो रहा है क्या मामला है? भाई पहला तो मैं नमस्कार करना चाहता हूँ आपके चैनल को। मीटिंग ये हमारी यात्रा है 10 तारीख की अगले महीने, और इसी विशेष में जो है हमारी मीटिंग रखी गई है ट्रैक्टर यात्रा 10 तारीख को लखनऊ जा रहे हैं दल बल और सबके साथ में, गाड़ियाँ भी हैं उसमें, ट्रैक्टर भी हैं और भी जो भी वाहन है, मोटरसाइकिल भी लेके जाएंगे लखनऊ तक, जो तो बाकी काफ़ी लोग जाएंगे हमारे साथ में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जय जवान।